किडनी जब खून का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है तब शरीर में क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ने लगता है किडनी रोगी के, और ये क्रिएटिनिन यूरिया खून फिल्टर ना होने की वजह से उसके रक्त में जमा होने लग जाता है, और ये रक्त में पहुंचने की वजह से शरीर के हर एक अंग तक पहुंचने लग जाता है, जिसकी वजह से किडनी के साथ साथ लीवर, आँखें और फेफड़े और पैनक्रियास जो होते हैं किडनी रोगी के, वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। क्योंकि किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट होता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, ये बिल्कुल कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा तरीका जानेंगे, एक ऐसा पदार्थ जानेंगे जिसको अगर आप पानी में आधा चम्मच डाल करके घोल के पीते हैं तो आपका जो किडनी का GFR है वो बढ़ेगा, आपकी किडनी अच्छे से जो आपके ब्लड को फिल्टर करने की उसकी ताकत है वो बढ़ेगी, और आपको यूरिन भी हल्का हल्का आने लग जाएगा और क्रिएटिनिन यूरिया भी आपका हिसाब के साथ जाने लग जाएगा। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। किडनी हमारे शरीर में जब काम करती है, जब हमारा GFR लेवल 100 के ऊपर होता है, इसमें हमारा जब GFR 100 के ऊपर होता है तो हमारी किडनी बिल्कुल स्वस्थ रूप से काम कर रही होती है। लेकिन जब GFR जो होता है किडनी रोगी का वो 25 से 30 हो जाता है तो उसकी CKD की जो स्टेज होती है वो 5वीं होती है। इसमें जो किडनी होती है वो ब्लड को नहीं छान पाती है साफ करके, और उस किडनी पेशेंट को पेशाब भी नहीं आता है। अगर किसी किडनी रोगी को पेशाब आता है लेकिन उसके शरीर से क्रिएटिनिन यूरिया नहीं निकलता है, क्योंकि किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं जो खून को छानते हैं वो अपनी पावर खो देते हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते। एलोपैथी में अभी तक कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जिसको आप खा करके अपनी इस पावर को बढ़ा पाएँ और आपकी जो किडनी है वो ब्लड का फिल्टर कर पाए और क्रिएटिनिन यूरिया पेशाब के जरिए निकल पाए। किडनी रोग होने का सबसे बड़ा कारण होता है किडनी में होने वाला इन्फ्लामेशन। किडनी में इन्फ्लामेशन जब होता है जब एक किडनी रोगी के शरीर का एसिड लेवल बढ़ा हुआ रहता है। अगर किडनी रोगी का एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा हर टाइम तो उसकी किडनी खराब हो ही जाती है, साथ में उसको ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, साथ में उसको अपच की समस्याएं हो जाती हैं, उसका मल साफ से नहीं आता, साथ में उसको भूख भी। अगर किडनी रोगी चाहता है कि उसकी किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करे, ब्लड को साफ करे, खून को साफ करे, तो उसको अपने जो ब्लड का एसिडिक लेवल होता है, जो ब्लड का pH लेवल होता है जो एसिडिक हो जाता है, उसको कम रखना होता है, यानी उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। तो आप ये पदार्थ जब पानी में मिला करके पीते हैं सुबह सुबह खाली पेट या खाना खाने के बाद, जैसे चाहे आप वैसे ले सकते हैं। आपको 100 ml पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा जो होता है, जो मीठा वाला बेकिंग सोडा आता है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसको आप डाल करके घोल करके जब पीते हैं तो आपके पेट में भरा हुआ एसिड भी शांत हो जाता है, साथ में आपके शरीर में यह पहुंच जाता है, रक्त की वाहिकाओं में पहुंच जाता है, और पहुंचने की वजह से आपके रक्त का जो एसिड लेवल होता है उसको शांत कर देता है।